क्रिएटिव कलर क्रिएशंस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको ये स्टार शेप डोरमेट डिजाइन बनाना सिखाएंगे। ये डोरमेट डिजाइन बनाने के लिए हम 3 कलर की ऊन का यूज कर रहे हैं और 12 नंबर सिलाई का यूज कर रहे हैं। आप चाहें तो पुरानी साड़ी से लंबी कपड़े की पट्टियां फाड़कर उससे भी ये डोरमेट डिजाइन बनाकर तैयार कर सकते हैं। उसके लिए आप 6 नंबर सिलाई का यूज करें। तो सबसे पहले हम सिलाई में येलो कलर से 31 फंदे डाल लेते हैं। धागा थोड़ा पतला है इसलिए हम डबल स्ट्रैंड का यूज कर रहे हैं। एक साइड हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा धागा रखेंगे और यहाँ पर हम एक स्लिप नॉट बना लेते हैं और इसे हम सिलाई पर बांध लेते हैं। और अब यहाँ से हम सिलाई में 31 फंदे डाल लेते हैं। इस तरह से हम सिलाई में 31 फंदे डालेंगे। जो भी तरीका आपको आता हो फंदे डालने का, उस तरीके से भी आप फंदे डाल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो जैसे हम डाल रहे हैं वैसे भी फंदे डाल सकते हैं। ये हमने सिलाई में 31 फंदे डाल लिए हैं। अब यहाँ से हम बुनना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हम मरून कलर अटैच करेंगे। ये भी धागा पतला है तो हम डबल स्ट्रैंड का यूज कर रहे हैं। यहाँ से हम 15 फंदे मरून कलर से बुन लेते हैं। तो यहाँ से हम बुनना स्टार्ट करेंगे और इस तरह से हमें ये मरून कलर यहाँ से अटैच करना है। एक फंदा हमने बुन लिया है, धागे को खींचकर यहाँ से इसे टाइट कर देंगे। ये 2 फंदे बुन लिए हैं, 3, 3 यहां से हम येलो कलर को बैक साइड में दबाते हुए नीचे की तरफ ले जाएंगे। 3 फंदे हमने बुन लिए हैं, ये 4, 5, 6, 7, ये धागे के किनारे जो रह गए यहाँ पर इनको भी हम बैक साइड में इस तरह से दबाते जाएंगे। 8 फंदे बुन लिए हैं, ये 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15 फंदे हमने मरून से बुन लिए हैं। अब यहाँ से एक फंदा हम येलो कलर से बुनेंगे। येलो धागे को हम बैक साइड में दबाते हुए नीचे की तरफ ले आए हैं, तो यहाँ से एक फंदा हम येलो से बना लेते हैं। अब यहाँ से येलो को हम दबा लेंगे और 15 फंदे हमें ऑरेंज धागे से बनाने हैं। यहाँ से हम ऑरेंज कलर अटैच करेंगे। एक फंदा हमने बुन लिया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15 फंदे हमने ऑरेंज से बना लिए हैं। अब इस साइड से जिस कलर के फंदे हैं उसी कलर के धागे से हमें बनाना है। पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, धागे को दोनों सिलाई के बीच से आगे की तरफ करेंगे और यहाँ से हम सारे फंदे सीधे सीधे ही बुन लेते हैं। ये हमने ऑरेंज फंदे बुन लिए हैं। अब ऑरेंज धागे को पीछे की तरफ करेंगे और येलो को इस तरह से क्रॉस में आगे की तरफ करेंगे। अभी एक फंदा हम येलो से बुन लेते हैं।
अब यहाँ से येलो को हम पीछे की तरफ कर देंगे और मरून धागे को हम इसी तरह से क्रॉस में आगे की तरफ कर लेते हैं। और अब यहाँ से हम मरून फंदे बुन लेते हैं। ये हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। अब यहाँ से हम फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे। पहला फंदा हम बिना बुने ऐसे ही उतार लेंगे, धागे को दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ कर लेंगे। और इस बार हमें 14 फंदे बुनने हैं, दो हमने बुन लिए हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 14 और मरून कलर का ये एक फंदा हमें येलो से बनाना है। यहां से ये हमने मरून कलर का एक फंदा यहाँ से येलो से बना लिया है और ये येलो फंदा हमें ऑरेंज से बनाना है। तो येलो धागे को तो हम इस तरह से दबा लेंगे और ऑरेंज धागे को इसके नीचे से निकालेंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम ऑरेंज धागे से ही बुनेंगे। और इस साइड ये दो फंदे हम बिना बुने छोड़ देंगे और यहीं से हम सिलाई को पलट लेंगे, धागे को दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ कर लेंगे और इस साइड से जिस कलर के फंदे हैं उसी धागे से हमें बुनना है। ये हमने सारे फंदे बुन लिए हैं, तो ऐसे ही हमें हर बार बुनते जाना है। अब यहाँ से हम फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हम मरून कलर के 13 फंदे बुनेंगे और ये एक फंदा हम यहाँ से येलो से बुन लेंगे और यहाँ से ये येलो फंदा हम ऑरेंज से बुन लेंगे, फिर यहाँ से ऑरेंज से ही बुनना स्टार्ट करेंगे। और इस साइड ये दो फंदे हमने छोड़ दिए हैं, तो इस बार हम ये दो फंदे बिना बुने छोड़ देंगे और यहीं से हम सिलाई को पलट लेंगे। इस साइड से जिस कलर के फंदे हैं उसी कलर से हम बुन लेंगे। तो इसी तरह से हमें बुनते जाना है। यहाँ से फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे, फिर ये फंदा हम येलो से बनाएंगे और यहाँ से एक फंदा हम येलो से बनाएंगे और यहाँ से ऑरेंज से बुनेंगे, फिर ये दो फंदे हम बिना बुने छोड़ देंगे और यहीं से हम सिलाई को पलट लेंगे। तो ऐसे ही बुनते हुए हमें सारे फंदे बुनने हैं। इस साइड हम हर बार दो दो फंदे बिना बुने छोड़ते जाएंगे और यहाँ पर आखिर में मरून के दो फंदे रहने तक बुनना है। ये हमने इसे यहाँ तक बनाकर कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं मरून कलर के हमारे पास दो फंदे बच गए हैं और एक फंदा हमारे पास येलो कलर का है और ऑरेंज कलर के सारे फंदे हमने दो दो फंदे करते हुए हमने छोड़ दिए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 दो दो फंदे हमने 14 बार छोड़ दिए, यानी कि 28 फंदे हमने इस साइड छोड़ दिए हैं और ये डिजाइन यहाँ तक बनकर कंप्लीट हो गई है। आधी कली हमने बना ली है। अब आगे की आधी कली में हम
इस साइड से ऑरेंज कलर के दो दो फंदे हर बार बुनते जाएंगे। यहाँ से हम पहला फंदा बिना बुने उतार लेते हैं, धागे को आगे की तरफ करेंगे, मरून कलर का ये फंदा भी हम बुन लेते हैं और यहाँ से येलो फंदा हम मरून से बनाएंगे और ये एक ऑरेंज फंदा हम येलो से बना लेते हैं। दो फंदे हैं ऑरेंज कलर के यहाँ पर, तो एक फंदा हमने येलो बना लिया है और एक फंदा हम ऑरेंज से ही बना लेते हैं। और यहीं से हम सिलाई को पलट लेंगे, धागे को दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ कर लेते हैं और अब यहाँ से ये एक ऑरेंज फंदा हम ऑरेंज धागे से बुनेंगे, ऑरेंज धागे को पीछे की तरफ कर देते हैं और यहाँ से हम येलो धागे को क्रॉस में आगे की तरफ कर लेते हैं और येलो कलर का एक फंदा है ये हम येलो धागे से बुनेंगे। अब येलो को हम पीछे की तरफ कर देते हैं और मरून धागे को हम आगे की तरफ कर लेते हैं और मरून कलर के ये तीन फंदे हम मरून कलर से ही बुन लेते हैं। हर बार हमें इसी तरह से बुनते जाना है, मरून कलर का हम एक एक फंदा हर बार बढ़ाते जाएंगे और इस साइड से हम ऑरेंज कलर के दो दो फंदे हम हर बार बुनते जाएंगे। पहले हमने दो दो फंदे छोड़े थे, इस बार हम दो दो फंदे बुनते जाएंगे। अब यहाँ से ये फंदा हम येलो बनाएंगे और येलो फंदा हम मरून से बनाएंगे। तो एक बार और हम आपको बुनकर दिखा देते हैं। पहला फंदा हम बिना बुने ऐसे ही उतार लेते हैं, धागे को आगे की तरफ कर लेते हैं, मरून फंदे हम बुन लेते हैं मरून धागे से ही। अब ये येलो फंदा हम मरून से बुनेंगे। अब यहाँ से ये ऑरेंज फंदा हम येलो से बुन लेते हैं। इस बार हमें ये दो फंदे बुनने हैं, तो ये दो फंदे हम ऑरेंज धागे से बुनेंगे। और यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं, धागे को दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ करेंगे और इस साइड से हम ये ऑरेंज फंदे हमने बुन लिए हैं। अब ये एक येलो फंदा हम बुन लेते हैं, येलो को पीछे की तरफ कर देते हैं और यहां से हम मरून कलर के फंदे मरून धागे से बुन लेते हैं। ये हमने सारे फंदे बुन लिए हैं, तो ऐसे ही हमें हर बार बुनते जाना है। तो इस बार यहां से फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे, येलो ये फंदा हम मरून से बना लेंगे और ये वाला फंदा हम यहाँ से येलो से बना लेंगे और इस बार हम ये दो फंदे बुन लेंगे और यहीं से हम सिलाई को पलट लेंगे। इस साइड से जिस कलर के फंदे हैं उसी कलर से हम बुन लेंगे। तो ऐसे ही बुनते हुए हम यहाँ तक ये सारे फंदे आपको बुनकर दिखा देते हैं। ये देखिए हमने सारे फंदे बुन लिए हैं और ये एक कली कंप्लीट हो गई है और यहाँ पर हमारे पास 15 फंदे ऑरेंज कलर के हैं, एक फंदा हमारे पास येलो कलर का है और 15 फंदे हमारे पास यहाँ पर मरून कलर के हैं। अब यहाँ से ये सारे फंदे हम येलो कलर से ही बुन लेते हैं। येलो धागे को हम बैक साइड में इस तरह से दबाते हुए ऊपर की तरफ ले आए हैं। अब यहाँ से ये पूरे 31 फंदे हमें येलो से बुनने हैं। मरून को इस तरह से दबा लेते हैं धागे को और यहाँ से हम येलो धागे से सारे फंदे बुन लेते हैं। ये हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। अब इस साइड से भी हम सारे फंदे येलो धागे से ही बुन लेते हैं। पहला फंदा हम बिना बुने उतारेंगे, धागे को दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ करेंगे और सारे फंदे हम सीधे सीधे ही बुन लेते हैं। ये हमने सारे फंदे येलो कलर से बुन लिए हैं और ये एक कली हमारी बनकर यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर हमारे पास सिलाई में वैसे ही फंदे आ गए जैसे कि हमने ये कली यहाँ से बनाना स्टार्ट करा था। तो सिलाई में हमने येलो कलर के 31 फंदे लेकर
ये बनाना स्टार्ट करा था तो फिर से सिलाई में 31 फंदे आ गए हैं येलो कलर से। अब यहाँ से हम सेकंड कली बनाना स्टार्ट करेंगे। 15 फंदे मरून कलर से बुनेंगे, एक फंदा येलो कलर से और 15 फंदे हम यहाँ से ऑरेंज कलर से बुन लेंगे। और फिर जैसे हमने ये वाली कली यहाँ से बनाना स्टार्ट करी थी, उसी तरह से हम यहाँ से दूसरी कली बनाएंगे। जैसे कि हमने ये डिजाइन बनाकर कंप्लीट करी है पहली कली में, उसी तरह से हम सेकंड कली में ये डिजाइन बनाएंगे और सारी कलियां हम इसी तरह से बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमने 7 कलियां बनाकर कंप्लीट कर ली हैं और डोरमेट का सर्कल हमारा कंप्लीट हो गया है। और अब यहाँ से हम सिलाई में से फंदे उतार कर इसे यहाँ से सिलाई लगाकर बंद कर देंगे और सेंटर में जो स्पेस रह गया है इस पर भी हम सिलाई लगाकर इसे अच्छी तरह से बंद कर देते हैं। ये हमने इसे सिलाई लगाकर अच्छी तरह से बंद कर दिया है और ये हमारा स्टार शेप डोरमेट डिजाइन बनकर तैयार हो गया है। बिल्कुल ये डिजाइन आप पुरानी साड़ियों से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आपको हमारा आज का ये डोरमेट का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।